शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तान साधु की नीति दूसरा अध्याय 19वीं कहानी वो रोजगारे सलामत शिकस्तगा दरिया के जब्र खातिरे मिस्की वला वगर दानत जो सायलज तो वजारे तलब कुनत चीजे विदह वर्गना सितमगर वजोर वस्तानद अर्थात दिन दुखियों की सहायता से आफत टलती है। जो दुखियों को दान नहीं देते उनका धन अत्याचारी उनसे जबरदस्ती छीन लेते हैं। यूनान देश में लुटेरों ने एक मुसाफिरों के झुंड पर हमला किया और बहुत सा माल असबाब लूट लिया। व्यापारी लोग बहुत कुछ रोए पीटे और ईश्वर तथा पैगंबर से विनती की किंतु कुछ फल न हुआ। जबकि नीच डाकू फतो पा जाते हैं तब वे मुसाफिरों के रोने पीटने की क्या परवाह करते हैं। उन मुसाफिरों में लुकमान हकीम भी थे। उन लोगों ने लुकमान से कहा, आप ऐसा उपदेश दीजिए जिससे ये लुटेरे लूट के माल में से कुछ हिस्सा लौटा दे, क्योंकि इतना धन लुटा देना बड़े दुख की बात है। लुकमान ने जवाब दिया, उन लोगों को ज्ञानोपदेश देना वृथा है। जिस लोहे को जंग ने खा लिया है उसे तुम पॉलिश करके साफ नहीं कर सकते। शाह दिल की नसीहत देने से क्या फायदा। लोहे का मेघ पत्थर में नहीं घुसता। अपने सुख संपद की अवस्था में उनकी सहायता करो जो तंग हाल और दुखी है, क्योंकि दिन दुखियों की खातिर करने से तुम्हारी बला टल जाएगी। भिखारी तुमसे आकर कुछ मांगे तो उसे दे दो, अन्यथा जालिम अत्याचारी तुमसे तुम्हारा माल जबरदस्ती छीन लेगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो हिये के अंधे हैं, जिनका दिल मेला है, उन पर किसी की नसीहत काम नहीं कर सकती। मनुष्य को चाहिए कि अच्छे दिनों में अपने धन माल को दुखियों के दुख दूर करने के काम में लगावे, जिससे उसका इस लोक और परलोक में भला हो। अगर वह अपना धन परोपकार में खर्च न करेगा, याचकों की इच्छा पूर्ण न करेगा और यदि जबरदस्त उसका माल जबरदस्ती छीन लेगा।